हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना एक प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से अपना थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, आज के दौर में आपको एक प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल, एक एडवांस यूट्यूब थंबनेल बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके चैनल पर व्यू नहीं आएंगे, और व्यू नहीं आएंगे तो आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। तो आपको अगर अपने व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो दोस्तों, आपको एक प्रोफेशनल एडवांस थंबनेल बनाना होगा। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए आपको भी इस YouTube के कंपटीशन में आने के लिए अपना एक प्रोफेशनल YouTube थंबनेल बनाना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको कैनवा ऐप के द्वारा बहुत ही शानदार प्रोफेशनल YouTube थंबनेल बनाने के बारे में सिखाऊंगा। दोस्तों, आपको कैनवा ऐप थोड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे बहुत ही आप सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से अपना एक YouTube थंबनेल बना पाओगे, और आप भी इस YouTube के कंपटीशन में आ पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, मैं आ गया हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, और दोस्तों, आपको सिंपली अपने कैनवा ऐप में जाना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, आपको इसमें यूट्यूब थंबनेल दिख रहा होगा, आपको यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसमें आपको ब्लैंक कलर का पेज आएगा, इसमें आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें लाइन एंड शेप्स, दोस्तों लाइन एंड शेप्स दिख रहा होगा, इसमें आपको सेकंड नंबर वाले पर क्लिक करना है। सेकंड वाले चौकोर डिब्बे पर जैसे ही क्लिक करेंगे करना है, और ये चौकोर डिब्बे यहाँ पर आ जाएगा आपके ब्लैंक पेज पर। इसको पूरी तरीके से आप अपने स्क्रॉल करके फैला लीजिएगा, और इसका यहाँ से आप कलर, नीचे कलर वाला ऑप्शन है, उस पर कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी देना है। तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद में प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ एलिमेंट्स के साइड में गैलरी का ऑप्शन होगा दोस्तों, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से अपनी कोई सी भी अच्छी सी फ़ोटो उस पर डाल देना है। मैं ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड टू पेज पर क्लिक कर देता हूँ, और इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से एडजस्ट करके फिट कर देता हूँ। उसके बाद में प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आपको टेक्स्ट पे जाना है, नीचे कॉर्नर में टेक्स्ट लिखा होगा, उसमें ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करना है। ऐड हेडिंग में आ जाएगा, इस पर ऐड हेडिंग पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर उसमें आपको डाल देना है, मेरे को लिखना है मोबाइल से, मोबाइल, और हिंदी में से। ये हो गया दोस्तों मोबाइल से, है ना दोस्तों। अब इसको मेरे को बड़ा करना है, अब अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इसमें मेरे को, इसमें इसका फंट साइज, मेरे को फंट फंट बदलना है। इसमें ब्लैक वन ऑप्स, मेरे को ब्लैक वन ऑप्स करके एक फंट है, आप दोस्तों इसमें जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपका ब्लैक वन। अब यहाँ से इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कलर मैं आपको इसका येल्लो रख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और आप इसके अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे ही आपको इफेक्ट्स दिख रहा होगा दोस्तों, इफेक्ट्स पर जाना है,
और नॉन है तो इसको नॉन की जगह शेडो पर क्लिक करना है, शेडो को क्लिक करके रखना है। और यहाँ पे देखिए आपको ऑफसेट दिख रहा होगा, इसको फुल कर देना है, ऑफसेट फुल कर देना है। इसमें ब्लर भी दिख रहा होगा, ब्लर को भी फुल कर देना है, ट्रांसपेरेंसी भी आपको फुल कर देना है। और यहाँ कलर नीचे कलर पर क्लिक करके आपको ब्लैक चूज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इतना होने के बाद आपको मोबाइल से पर क्लिक करना है, नीचे डुप्लीकेट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, उस पर क्लिक करना है और इसको नीचे ला के यहाँ पर आपको लिख देना है प्रोफेशनल थंबनेल, प्रोफेशनल थंबनेल दोस्तों, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लीजिएगा। और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसमें मेरे को कलर भी देना है दोस्तों, तो मैं इसका वाइट कलर रखूँगा। और उसके बाद में प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एलिमेंट्स में फिर से जाना है, नीचे एलिमेंट्स लिखा होगा, इसमें स्क्वायर वाला फिर से लेना है, लाइन एंड शेप्स। तो दोस्तों इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से उसके यहाँ से नीचे कलर भी दे सकते हैं, कलर वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। आप इसको रेड कलर दे दीजिएगा। उसके बाद में आपको नीचे डुप्लीकेट्स का ऑप्शन होगा, डुप्लीकेट्स पर क्लिक करना है और इसको नीचे ला के इसको कुछ इस तरीके से करना है, लगा देना है। और आप पोजीशन पर क्लिक करके इसको बैकवर्ड कर देंगे तो थंबनेल बाहर आ जाएंगे। और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आप मोबाइल से पर क्लिक करना है, और नीचे डुप्लीकेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लिख देना है हिंदी में कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। इसका कलर दोस्तों आप नीचे से दे सकते हैं। मैं ब्लू कलर दे रहा हूं। ब्लू कलर अच्छा रहेगा दोस्तों। उसके बाद उसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसमें साइड पट्टी देने के लिए आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एलिमेंट्स में शेप लाइन शेप्स में स्क्वायर स्क्वायर वाला फिर से लेना है और इसको नीचे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा देना। कुछ इस तरह से आपको लगा देना है। और इसका कलर आपको दे देना है, आप जो भी देना चाहें। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ से आप अपने जितने चाहे उतने थंबनेल बना सकते हो और बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।